This conference will now be recorded. अस्सलाम वालेकुम, आप लोगों को आवाज आ रही है? यस सर, वालेकुम अस्सलाम। तो जी, कल कुछ चैप्टर वन में हमने कंप्लीट किया था, उसमें कोई मसला, कोई किसी को दिक्कत, कोई किसी का सवाल, कोई कंफ्यूजन? कोई किसी किस्म का मसला लास्ट चैप्टर में? ऑल क्लियर, कोई इश्यू नहीं? ये मैंने कुछ क्वेश्चंस दिए थे, आप लोगों ने किए, ट्राई किए पास्ट पेपर्स के? अब आ रही है आवाज? अब सबको आवाज आ रही है? अच्छा जी, कल ये कुछ मैंने पास्ट पेपर के सवाल दिए थे, ये थे चैप्टर वन से रिलेटेड, और चैप्टर वन हमारा कंप्लीट हो गया था, इसमें कोई इश्यू किसी किस्म का? जिस चैप्टर में कोई इश्यू किसी बच्चे को? सारे पास्ट पेपर के सवाल हो गए थे, मैं डिस्कस ना करूं इसका मतलब, मैं आगे मूव कर जू? हम एक ने? मुझे किसी ने भेजे? मुझे नहीं आया कोई सवाल, किसी बच्चे का नहीं आया, तो किसी ने सॉल्व करके मुझे भेजे, आगे किसी और को भेजनी है फिर?
चले फिर, मैंने आई थिंक सी नहीं किया होगा मैसेज आपको। मैंने रिप्लाई भी की है, स्ट्रेंज। याद चले ठीक है, मैं देख लूंगा वो। तो पहला चैप्टर इसका मतलब हमारा कंप्लीट हो गया है और उम्मीद करता हूं आपको मुश्किल नहीं लगा होगा। आप मतलब काफी बच्चे घबराए हुए थे कि जिन्होंने बाद में एडमिशन लिया कि शायद ये बहुत तेज बैच होगा, समझ आएगी कि नहीं आएगी, चीजों को करवा पाएंगे कि नहीं करवा पाएंगे। एक चैप्टर कंप्लीट हो गया, समझ आई। तो इसी तरह चलेंगे हम और इसी तरह इसको आगे हम सारा लेके कैरी करेंगे। तो मैं कुछ इसके फिर मैं क्वेश्चंस नहीं करवाता। आप लोग सारे कह रहे हैं क्वेश्चंस ना करवाएं, अगर आप में से एक बच्चा भी कह देगा मैं करवा दूंगा, मैं फिर पूछ रहा हूँ, मैं डिस्कस करूँ कि कोई जरूरत नहीं है डिस्कस करने की, क्वेश्चंस मुझे बस आपने बताना है। दस मिनट में कर दें। ओए होए होए, एक्सक्यूज मी सर, सर थोरोली कर दें डिस्कस। यार एक तो कहना था इसको बोले, अब अंदर शोर आ रहा है। चलिए हम क्विकली डिस्कस करते हैं क्वेश्चन चैप्टर वन से रिलेटेड। जितने भी अभी तक आपके पास पेपर्स क्वेश्चन आ चुके हुए हैं हम उन सबको वन बाय वन डिस्कस करते हैं। सबसे पहले हम ऑटम 21 का सवाल देखते हैं जो भी रिसेंट अटेम्प्ट में आया है। कहता है स्टेट वन ऑब्जेक्टिव ऑफ टैक्स लॉस इन ईच ऑफ द फॉलोइंग इंडिपेंडेंट केसेस। उसने हमें कुछ इंडिपेंडेंट केसेस गिवन की हैं, उसने कहा हर केसेस में उसने हमें कुछ टैक्स लॉस एग्जाम्पल दी है और उसने कहा है इसके हमें ऑब्जेक्टिव बता दें कि इनके क्या ऑब्जेक्टिव है क्या ऑब्जेक्टिव नहीं है। पहले है जी हाई रेट ऑन इंपोर्ट ऑफ गुड, गुड्स को इंपोर्ट करनी है, इनके ऊपर हाई टैक्स रेट लगाया जाता है, इसका ऑब्जेक्टिव क्या होता है। इसका ऑब्जेक्टिव होता है ताकि इंपोर्ट्स हैं जो हमारे मुल्क में कम हो, हमारी लोकल इंडस्ट्रीज ग्रो करें। बैलेंस ऑफ ट्रेड को बेहतर करने के लिए, इम्पोर्ट्स को कम करने के लिए, एक्सपोर्ट्स को बढ़ाने के लिए और लोकल इंडस्ट्री को प्रमोट करने के लिए हम क्या करते हैं, हम इम्पोर्ट्स के ऊपर हाई रेट करते हैं। फिर जीरो रेटिंग एक्सपोर्ट्स की हमने बात की थी लेक्चर्स के दौरान भी कि सेल्स टैक्स के ऊपर जब जीरो रेटिंग आती है इसका मतलब जो बंदा एक्सपोर्ट करेगा उससे आप 0% के ऊपर टैक्स लेंगे। इसका मकसद क्या होता है, ताकि आपकी एक्सपोर्ट्स मजीद बढ़ रही हों। उसके बाद अगर टैक्स रेट हम डिक्रीज करेंगे, देखिए ना हम एग्जांपल देखी थी कि अगर टैक्स रेट ज्यादा होता है तो कीमतें बढ़ जाती हैं, अगर टैक्स रेट कम करेंगे तो कीमतें कम होंगी अशिया की, तो कीमतें अशिया की कम होने से क्या होता है, इन्फ्लेशन कम हो रही होती है, तो इसका ऑब्जेक्टिव ये हो गया। उसके बाद टैक्स ऑन कैश डिपॉजिट एंड विदड्रॉल बाय नॉन फाइलर। नॉन फाइलर कहते हैं जो बंदा टैक्स जमा नहीं करवाता, जो बंदा रिटर्न फाइल नहीं करता, जो इसका नाम एक्टिव टैक्स पेयर लिस्ट में नहीं है, उसको हम नॉन फाइलर कहते हैं। इसके लिए है कि अगर ये बैंक में पैसे जमा करवाए या बैंक से पैसे निकलवाए, इसके ऊपर हम टैक्स लेते हैं। इसके ऊपर टैक्स लेने का मकसद क्या होता है, ताकि इन लोगों के ऊपर एक्स्ट्रा टैक्सेशन की जाए, इन लोगों के ऊपर ज्यादा टैक्स लिया जाए और इनको एनफोर्स किया जाए कि अगर तुम इन टैक्स से बचना चाहते हो, तुम ये टैक्स नहीं पे करना चाहते तो आराम से फाइलर बन जाओ, हुकूमत को अपने तमाम क्रेडेंशियल्स तमाम डिटेल्स जमा करवा दो ताकि हम आपको फाइलर बनाते हैं और हम आपसे टैक्स ना लें। तो फाइलर बनाने के लिए, टैक्स नेट में लाने के लिए ये काम किया जाता है। उसके अलावा है इंट्रोडक्शन ऑफ टैक्स हॉलीडे पीरियड फॉर कंस्ट्रक्शन रिलेटेड इंडस्ट्री। इसका मतलब होता है कि अगर आप एक कुछ अरसे के लिए आप इन इंडस्ट्री को टैक्स माफ कर देते हैं, छूट दे देते हैं, तो अगर कंस्ट्रक्शन रिलेटेड इंडस्ट्री को टैक्स हॉलीडे दी जाए चंद महीनों के लिए, चंद अरसे के लिए माफ किया जाए टैक्स, तो उसका फायदा क्या होगा, उसका ऑब्जेक्टिव क्या होगा कि ज्यादा से ज्यादा इस इंडस्ट्री में, इस सेक्टर में इन्वेस्टमेंट हो ताकि वो सेक्टर ग्रो कर रहा हो।
उसके बाद हाई टैक्स रेट ऑन इंटरेस्ट इनकम। इंटरेस्ट इनकम के ऊपर ज्यादा टैक्स रेट कर रहे होते हैं। इंटरेस्ट सूद है, सूद हराम है। हराम एलिमेंट को मार्केट में कम करने के लिए क्या करते हैं, टैक्स रेट ज्यादा लगा देते हैं। इसका एक और इम्पैक्ट है मॉनेटरी पॉलिसी के हवाले से, बट वो मैं डिस्कस नहीं करूंगा बिकॉज मेजोरिटी ऑफ स्टूडेंट्स हमारे पास ऐसे हैं जिनका इकोनॉमिक्स एग्जेम्प्ट हो गया होगा, तो उनको नहीं अंदाजा मॉनेटरी पॉलिसी क्या होती है और एक्सपेंशन और कॉन्ट्रैक्शन क्या होती है। तो मैं आप लोगों को कंफ्यूज नहीं करना चाहता। आप अपने पास जहन सिंपल रखें एक चीज याद कि अगर इंटरेस्ट रेट ज्यादा होगा, इंटरेस्ट ज्यादा लोग कमाएंगे तो सूद कमा रहे होंगे, तो कभी भी आप अपने मुल्क में इस्लामिक सिस्टम या इंटरेस्ट फ्री सिस्टम नहीं ला सकते। तो अपने मुल्क में इंटरेस्ट फ्री सिस्टम लाने के लिए, इस्लामिक सिस्टम लाने के लिए आप क्या करेंगे, आप सूद के ऊपर टैक्स अपना ज्यादा कर लेंगे। उसके बाद है कि डिक्रीज इन टैक्स रेट फॉर ऑनलाइन सेल्स। अगर कोई बंदा ऑनलाइन काम करता है, ऑनलाइन सेल्स करता है, तो हम उससे टैक्स रेट कम कर देते हैं, हम टैक्स रेट डिक्रीज कर देते हैं। टैक्स रेट डिक्रीज करने का मकसद क्या होता है? टैक्स रेट डिक्रीज करने का मकसद सिर्फ एक ही होता है कि और से और लोग ऑनलाइन काम शुरू कर रहे, और से और इस मुल्क में ऑनलाइन इन्वेस्टमेंट आए, और से और इस मुल्क में पैसा ऑनलाइन वेंचर्स और ई कॉमर्स टाइप बिजनेसेस आते रहे। तो उसके बाद टैक्स क्रेडिट टू पर्सन एम्प्लॉइंग फ्रेश ग्रेजुएट्स। टैक्स क्रेडिट मैंने आपको कल समझाया था एक लेमैन अप्रोच में कि टैक्स क्रेडिट क्या होता है, जो हमने वीडियो में डिस्कस किया हुआ है। टैक्स क्रेडिट कहते हैं कि आपको टैक्स की छूट दी जाती है, आपका थोड़ा बहुत टैक्स माफ कर दिया जाता है। और अगर कोई बंदा, कोई बिजनेसमैन, कोई कंपनी फ्रेश ग्रेजुएट्स को हायर करता है, उसको हम थोड़ा सा टैक्स माफ कर देते होते हैं। इसका मकसद क्या होता है? इसका मकसद होता है कि मोर कंपनीज जो है, मोर बिजनेसेस जो हैं, जो फ्रेश ग्रेजुएट्स को हायर करें, ताकि अनएम्प्लॉयमेंट हमारे माशरे से कम हो रही हो। उसके बाद हाई टैक्स रेट ऑन लग्जरी आइटम्स। लग्जरी आइटम्स के ऊपर हम टैक्स रेट ज्यादा लगाते हैं ताकि हम फेयर इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ कर सकें। उसके बाद अलाउ एक्सपेंडिचर ऑन रिसर्च एंड डेवलपमेंट। जो रिसर्च एंड डेवलपमेंट आप कर रहे होते हैं, उसके ऊपर क्या होते हैं, हम वो एक्सपेंडिचर आपको अलाउ कर देते हैं। उसका फायदा क्या होता है, ताकि मजीद लोग यहाँ पे, मजीद लोग पैसा यहाँ पे रिसर्च एंड डेवलपमेंट में स्पेंड कर रहे हों, दैट्स व्हाई हम क्या करते हैं, हम ये कर रहे होते हैं। तो ये सारे ऑब्जेक्टिव से और इनके टैक्स लॉ से और ये इनके ऑब्जेक्टिव से। ऑनलाइन अनरजिस्टर्ड बिजनेस पे टैक्स क्रेडिट अवेल हो सकता है या नहीं? नहीं। ये सवाल सबको क्लियर है? उसके बाद ऑटम 14 का है कि द प्राइमरी ऑब्जेक्टिव ऑफ अ टैक्सेशन सिस्टम इज टू कलेक्ट रेवेन्यू। ये रेवेन्यू कलेक्ट करना हमारे टैक्सेशन सिस्टम का बुनियादी ऑब्जेक्टिव, बुनियादी मकसद होता है। उसने कहा है यू आर रिक्वायर्ड टू लिस्ट अदर ऑब्जेक्टिव्स, जो नॉन रेवेन्यू ऑब्जेक्टिव है उसने कहा है हमें वो बताने हैं। तो आपको समझाए थे नॉन रेवेन्यू ऑब्जेक्टिव क्या होते हैं, आप उसको लिख दीजिएगा। इंडस्ट्री को ग्रो कराने के लिए, ट्रेड को ग्रो कराने के लिए, वेलफेयर के लिए, उसके अलावा इन तमाम चीज़ों के लिए वो क्या होते हैं, हम टैक्स को यूज कर रहे होते हैं। हमने डिटेल बात की थी, उसको आप लिख दीजिएगा। उसके बाद स्प्रिंग 15 में दो बार ही टेस्ट आया था, उसने कहा था स्टेट एनी फाइव वेज इन विच टैक्सेस कैन बी यूज फॉर डिवेलपमेंट ऑफ अ कंट्री, कि टैक्सेस को हम एज अ डिवेलपमेंट कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं। इसमें हमने देखा था कि टैक्स रेट आप कम करते हैं, आप जीरो रेटिंग इंक्रीज कर रहे होते हैं, आप टैक्स इंसेंटिव देते हैं बिजनेसमैन को जो इन्वेस्टमेंट करता है, आप उसको टैक्स क्रेडिट दे रहे होते हैं, फिर आप इंडस्ट्री जोन, ट्रेड जोन और भी सारा कुछ क्रिएट कर रहे होते हैं, हमने ये बात की थी। उसके बाद है ब्रीफली एक्सप्लेन एनी थ्री इनडायरेक्ट टैक्सेस एप्लीकेबल इन पाकिस्तान। इनडायरेक्ट टैक्सेस हमने देखा था क्या होते हैं, इससे क्या तीन टाइप्स बतानी है, तो सेल्स टैक्स, कस्टम ड्यूटी और फेडरल एक्साइज ड्यूटी, ये हमारे तीन किस्म के इनडायरेक्ट टैक्सेस हैं जो आप एक्सप्लेन कर सकते हैं। उसके बाद है ब्रीफली डिस्क्राइब एनी थ्री मेन कैनन्स ऑफ टैक्सेशन व्हिच कैन बी हेल्पफुल इन फॉर्मुलेटिंग अ गुड टैक्सेशन सिस्टम। इसमें हमने पढ़ा था इक्वालिटी के ऊपर हो, कन्वीनियंस ऑफ पेमेंट हो, और तीसरा हमने कौन सा पढ़ा था, फिजिबिलिटी वगैरह पढ़ा था मेरे ख्याल से। तो वो तीन कैनल्स ऑफ टैक्सेशन है, वो कोई भी लिख सकते हैं। एक्चुअली ये जो सवाल है ये चैप्टर नंबर 3 से रिलेट कर रहा है,
बट मैंने यहाँ पे गलती से इसको प्लेस कर दिया, बिकॉज चैप्टर नंबर 3 में ज्यादा कैनन्स ऑफ टैक्सेशन डिस्कस है, तो वहाँ पे आप डिस्कस कर सकते हैं, जैसे कैनन ऑफ इलास्टिसिटी, कैनन ऑफ प्रोडक्टिविटी, कैनन ऑफ इकोनॉमी, वहाँ पर डिस्कस है। तो ये सवाल एक्चुअली चैप्टर नंबर 3 से रिलेट कर रहा है, जो मैंने यहाँ पे गलती से प्लेस कर दिया। उसके बाद स्प्रिंग 16 का सवाल था, बिसाइड फाइनेंसिंग गवर्नमेंट ऑपरेशन एक्सपेंडिचर्स, टैक्सेशन इज आल्सो यूटिलाइज्ड एज अ टूल टू कैरी आउट द नेशनल ऑब्जेक्टिव ऑफ सोशल एंड इकोनॉमिक डेवलपमेंट, लिस्ट एनी 5 नॉन रेवेन्यू ऑब्जेक्टिव्स ऑफ टैक्सेशन इन पाकिस्तान। ये भी हमने बात की है, मेरे ख्याल से इसको रिपीट करने की जरूरत नहीं है। तो ये हमारे कुछ नॉन रेवेन्यू ऑब्जेक्टिव्स बताने हैं आपने, जो हमने से पिछले क्वेश्चन में देखे हैं। उसके बाद है जी स्प्रिंग 18 का सवाल, 3 नंबर का, टैक्सेस आर प्राइमरी रेवेन्यू यील्डिंग टेल्स ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ मॉडर्न एजेस, यू आर रिक्वायर्ड टू स्टेट एनी 3 नॉन रेवेन्यू ऑब्जेक्टिव विच द गवर्नमेंट अचीव बाय इम्पोजिंग टैक्सेशन। कोई से भी 3 बताने हैं, बिजनेस को ग्रो करने के लिए एनिमिक एंटरप्राइजेस को ग्रो करवाती है, वेलफेयर करती है, तो ये सारी चीजें आपने बतानी है, 3 कोई से भी बता सकते हैं। उसके बाद ऑटोमेटिक में है कि 3 इनडायरेक्ट टैक्सेस बताने हैं तो बता दीजिएगा, सेल्स टैक्स, कस्टम ड्यूटी और फेडरल एक्साइज ड्यूटी। उसके बाद है स्टेट एनी 1 ऑब्जेक्टिव ऑफ टैक्स लॉस इन ईच ऑफ द फॉलोइंग केसेस, इन तमाम केसेस में आपने टैक्स लॉस का एक एक ऑब्जेक्टिव बताना है कि इसका ऑब्जेक्टिव क्या है और इसका ऑब्जेक्टिव क्या है। पहला है हाई रेट ऑन हाई इनकम, जितनी इनकम ज्यादा उतना टैक्स रेट ज्यादा, जितनी इनकम कम उतना टैक्स रेट कम। तो इसका जो मेन ऑब्जेक्टिव है फेयर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ हो सके, जिसका मतलब है कि जिसके पास ज्यादा पैसा है उससे टैक्स ज्यादा लिया जाए, जिसके पास कम पैसा है उससे हम टैक्स कम लें। उसके बाद है जी हायर टैक्सेस ऑन इम्पोर्ट ऑफ लग्जरी गुड्स, लग्जरी गुड्स इम्पोर्ट करोगे टैक्स ज्यादा होगा, वही इम्पोर्ट को कम करना लोकल इंडस्ट्री को प्रमोट करने के लिए हमें सारा कुछ कर रहे होते हैं। उसके बाद टैक्स क्रेडिट ऑन डोनेशन टू अप्रूव्ड इंस्टीट्यूशन, ये जो अप्रूव्ड इंस्टीट्यूशन होते हैं आप उसमें डोनेट करते हैं तो आपको टैक्स क्रेडिट मिलता है। टैक्स क्रेडिट का मतलब फिर से बता रहा हूँ, अगर 100 रुपया टैक्स बन रहा है, हुकूमत कहती है आप डोनेशन करो, आप करते हो, हुकूमत आपको 10 रुपये टैक्स पे छोड़ देती है इस डोनेशन की वजह से, तो ये जो आपको 10 रुपये छोड़े गए हैं ये टैक्स क्रेडिट कहलाएगा। तो टैक्स क्रेडिट और डोनेशन क्या होता है कि आप अप्रूव्ड धारा में डोनेट करते हैं तो गवर्नमेंट क्या करती है आपको टैक्स माफ कर देती है थोड़ा सा। इसका मकसद क्या होता है, ताकि आपके कंट्री में डोनेशन का मजीद कल्चर, पहले लोग डोनेट करें और डोनेशन के साथ साथ फिर आपका टैक्स क्रेडिट क्लेम करने के लिए लोग टैक्स भी जमा करवाएं। उसके बाद है क्रिएशन ऑफ टैक्स क्रेडिट ऑन इन्वेस्टमेंट, इन्वेस्टमेंट करने के ऊपर क्या करती है गवर्नमेंट टैक्स क्रेडिट देती है। अब इन्वेस्टमेंट में यहाँ से मुराद होता है कि जो स्टॉक एक्सचेंज होती है या जो आपके मुल्क की फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट होती है उसकी बात की जा रही है, कि गवर्नमेंट कहती है तुम आओ, तुम स्टॉक एक्सचेंज के ऊपर जाओ, पाकिस्तान में जो कारोबार हो रहा है, तजारत हो रही है, शेयर्स की उसमें इन्वेस्टमेंट करो, शेयर्स वगैरह परचेज करो, तो हम क्या देंगे, हम तुम्हें टैक्स क्रेडिट दे देंगे, हम तुम्हारा थोड़ा सा टैक्स माफ कर देंगे। अब इस टैक्स क्रेडिट का या इस टैक्स को छोड़ने का मकसद क्या होता है, इसका मकसद सिर्फ होता है ताकि लोग आए, लोग मजीद इन्वेस्टमेंट करें, लोग मजीद पैसा पाकिस्तान में ले जाए, ताकि पाकिस्तान के खजाने भर सके और इन्वेस्टमेंट का कल्चर आपका ग्रो कर सके। उसके बाद है क्रिएशन ऑफ टैक्स फ्री जोन, आप टैक्स फ्री जोन्स बना देते हैं। टैक्स फ्री जोन्स का मतलब है आपने एक एरिया स्पेसिफाई किया और आपने कह दिया कि आज के बाद जो बंदा भी इस एरिया में बिजनेस करेगा आप उसको टैक्स माफ कर देंगे इतने सालों के लिए, हम उसको बिजली सस्ती दे देंगे, हम उसके ऊपर बिजली के ऊपर टैक्स नहीं लेंगे, वो गुड्स इंपोर्ट करेगा हम उसके ऊपर टैक्स उसको छोड़ देंगे, हम उसे कस्टम टैक्स नहीं लेंगे, हम उसे कोई ना कोई FED माफ कर देंगे। तो ये सारा कुछ होता है इन जोन्स में। अब ये जोन्स क्यों बनाती है गवर्नमेंट, ताकि कोई अंडर डेवलप एरिया हो, उस अंडर डेवलप एरिया को डेवलप करने के लिए, उसको ग्रूम करने के लिए गवर्नमेंट क्या करती है, गवर्नमेंट कहती है कि ठीक है ये मैं एरिया बना रही हूँ, आप में से जिसने आना है इस एरिया में आके बिजनेस करे,
लोग नहीं जाते कि इतना दूर कौन जाए बिजनेस करने के लिए। फिर गवर्नमेंट क्या करती है, उन्हें इंसेंटिवाइज करती है, कहती है आओ यहाँ फैक्ट्री लगाओ, मैं तुम्हारे इतने दिन के टैक्स माफ कर दूंगी। तो इसका मकसद क्या होता है, इसका मतलब होता है कि अंडर डेवलपमेंट एरिया को डेवलप करना, ग्रो कराना, एम्प्लॉयमेंट एक्टिविटीज को क्रिएट कराना, ये सारे क्या है इसके ऑब्जेक्टिव है। उसके बाद है द इनकम ऑफ इंडिविजुअल एंड कंपनीज, कि आप कंपनी पैसे कमाती है या इंडिविजुअल पैसे कमाती है, आप उससे उनकी इनकम के ऊपर टैक्स ले रहे होते हो। इसका मकसद सिर्फ एक ही होता है, वो है रेवेन्यू कलेक्शन, कि आप रेवेन्यू कलेक्ट कर रहे हो। उसके बाद है टैक्स ऑन ट्रांजेक्शन नॉट मेड थ्रू नॉर्मल बैंकिंग चैनल, कि आपने बैंक के अलावा ट्रांजेक्शन की है, कैश में की है, इस तरह की है, उसके ऊपर हुकूमत अगर पकड़ ले तो आपसे 10% टैक्स लेती है। मतलब अगर आपने कोई 17 लाख रुपए की गाड़ी परचेज की है, और अगर आपने वो गाड़ी की सारी पेमेंट कैश में की है, बैंक में नहीं की, और हुकूमत को लग जाए पता, तो मतलब 17 लाख का 10% जो होगी वो आपसे लेगी एज अ पेनल्टी। तो इसका मकसद क्या होता है कि कैश पेमेंट रोकना, ताकि लोग मैक्सिमम क्या करें, बैंक पे जाएं, या लोग बैंक से पेमेंट करेंगे तो डॉक्यूमेंटेशन में कम भी होगी, और गवर्नमेंट को पता होगा कितने लोग बैंक में हैं, कितने लोग बैंक में नहीं है, कितने लोगों का अकाउंट है, डेली बेसिस पे कितने अकाउंट की ट्रांजेक्शन होती है, तो गवर्नमेंट को सारा पता चल जाएगा। उसके बाद है जीरो रेटिंग अंडर द सेल्स टैक्स एक्ट 1990। इसका मकसद वही होता है कि आप एक्सपोर्ट्स को बढ़ाते हैं अपना, इम्पोर्ट का वॉल्यूम कम करने के लिए, और बैलेंस ऑफ ट्रेड अपना आप क्या करना होता है, बेहतर करना होता है। तो ये ऑटोमेटिक भी ऑब्जेक्टिव ऑफ टैक्स लॉ थे। फिर ऑटम 19 में था थ्री ब्रॉड प्रिंसिपल्स ऑफ और लेवी ऑफ टैक्स, वो इक्विटेबल प्रिंसिपल था, और वो अबिलिटी टू पे प्रिंसिपल था। तो ये सारा कुछ आपने लिखना है, तीन प्रिंसिपल लिख लीजिएगा। अगेन थ्री इनडायरेक्ट टैक्सेस एप्लीकेबल इन पाकिस्तान, मेरे ख्याल से बताने की जरूरत नहीं है यहाँ पे। उसके अलावा स्विंग 21 का है टैक्सेस आर प्राइमरी रेवेन्यू यील्डिंग टूल्स ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ मॉडर्निटीज, कि जदीद गवर्नमेंट का जो रेवेन्यू इकट्ठा करने का टूल है वो टैक्सेस होते हैं। बताएं जी कोई से 5 तरीके जिससे कंट्री में डेवलपमेंट आ सकती है। तो मेरे ख्याल से हम ये डिस्कस कर चुके हैं, रिपीटेटिव क्वेश्चन है, इसे करने की जरूरत नहीं है। तो ये कुछ सवाल थे कि चैप्टर 1 से आज तक आपको आए हैं एग्जाम में, इसके अलावा कोई सवाल नहीं आया। अगर आप इसमें एक ट्रेंड के ऊपर गौर करें, अगर आप इसको ट्रेंड के ऊपर गौर करें तो हर स्प्रिंग की अटेम्प्ट में सवाल आ रहा है चैप्टर नंबर 1 से, मतलब हर मार्च की अटेम्प्ट में चैप्टर नंबर 1 से सवाल आ रहा है। और आपकी अटेम्प्ट पे अगली कौन सी आ रही है, मार्च की, तो बाकी आप समझें। ठीक है, इसमें कोई सवाल किसी का, क्या कस्टम ड्यूटी एंड फेडरल एक्साइज ड्यूटी एक ही गुट पे लगा सकते हैं? जी एक ही गुट पे आप दोनों इकट्ठी भी लगा सकते हैं। सर यहाँ खुद से ऑब्जेक्टिव बता सकते हैं जो रिजेंबल कर रहे हैं उस स्टेटमेंट से, अगर वो स्टेटमेंट को रिजेंबल कर रहे हैं उसके अकॉर्डिंग है तो आप बता सकते हैं। ऑल क्लियर, सब तो क्लियर है ना, बता दो यार। मेरे एंड से अजान हो रही है, मैं वेट कर रहा हूँ 5 मिनट, फिर हम कंटिन्यू करते हैं। आपको शायद अजान की आवाज आ भी रही हो।
पे बहुत है। सुना है जी आगे मूव करें, नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करें। यार आप लोगों लाइव क्यों नहीं आते हैं? आप लोग अपने मेजोरिटी क्लास जो है वो गायब है। पेपर पास करना है आप लोगों ने कि बस एंजॉय करना है? भाई चाहने या ना चाहने से अगर चीजें होती हो तो मेरे ख्याल से मैं दुनिया का सबसे अमीर आदमी ना होता, अगर चाहने ना चाहने से होता हो, या सिर्फ जस्ट दुआ ही करनी होती, या मैं पाकिस्तान का प्राइम मिनिस्टर होता, दुनिया की सारी पावर मेरे पास होती है। भाई एफर्ट्स करनी पड़ती हैं, भाई एफर्ट्स करनी पड़ती हैं, एफर्ट्स करनी पड़ती हैं, हर चीज के लिए एफर्ट्स करनी पड़ती हैं, मेहनत करनी पड़ती है। आप मेहनत करोगे तो होगा ना, और अन्यथा मेहनत नहीं करनी चाहिए। मैं इसके भी अगेंस्ट हूँ, लेकिन प्लान तो होकर चलो। अभी में से आप सारे फुल टाइम स्टूडेंट हैं ना, जितने हैं जैसे मोविज, आप फुल टाइम स्टूडेंट हो ना अभी? मेजोरिटी आपके फुल टाइम स्टूडेंट्स हैं, तो अपने आप को प्लान करो ना, प्लानिंग के साथ चलते हैं। आप प्लान करेंगे तो फिर ही आप मूव करेंगे। भाई हम भी यहां से निकले हैं, हम भी कैब से निकले हुए हैं, बड़ा मुश्किल दौर था ये वाला भी, लेकिन अपने आप को प्लान करके चले हैं आप। विदाउट प्लानिंग कुछ नहीं हो सकता, रेगुलरिटी और कंसिस्टेंसी लेके हैं। आप में से मेजोरिटी लोग कितने पेपर दे रहे हैं? दो के तीन, तीन तीन, और मिसमैनेज चल रहे हो कि सिर्फ टेक्स्ट के साथ दूसरे निकाल रहे हो। तीन पेपर तो बड़े आराम से हो सकते हैं, दिन में 24 घंटे हैं, 24 घंटे हैं दिन में आपके पास, तीन पेपर मैक्सिमम 4 से 5 घंटे पढ़ने हैं आपने, निकाल सकते हो यार, निकाल लो। मैंने 5 पेपर दिए थे और 4 निकाले थे, और मुझे पता कि क्या हाल हुआ था मेरा उस जमाने में। तो आप तीन पेपर वाले हो, आराम से कर सकते हो। बस मैं आपको ये बता देता हूँ,
अगर मैंने 4 पेपर निकाले थे ना जिस अटेम्प्ट में एक साथ, मैं उस अटेम्प्ट में अपने घर में होते हुए अपने वालदैन से 4 दिन बाद मिला था। आई कैप के लाइब्रेरी जाता था, आई कैप हाउस के ठोकर पे लाहौर में। मैं सुबह 5 बजे वहां पे पहुंचता था, मतलब फजर की नमाज हम वहां पे पढ़ते थे, हम 3 4 लड़के होते थे, और मैं रात को 12:30 बजे घर में एंटर होता था। जब मैं जाता था तब भी मेरे पेरेंट्स सोए होते थे, और जब मैं वापस आता था तब भी मेरे पेरेंट्स सोए होते थे। और फिर मेरे अब्बू मुझसे मिलने के लिए आई कैप हाउस में आए थे कि भाई तो जिंदा भी है कि नहीं, हम तो शक्ल ही देख ली। ये डिटर्मिनेशन चाहिए होती है, और ये लाइफ में एक ना एक आधी बारी आप सबको इतनी एफर्ट्स करनी पड़ेंगी। लिखने मेरे से कोई फ्लैक्स नहीं कर रहा, कोई अपनी बड़ाई अल्लाह माफ करे बयान नहीं कर रहा, कोई गुरूर नहीं कर रहा। डेट वॉज हैपेंड, और आप हर एक को अपनी लाइफ में एक सर्टेन स्टेज पे जाके इतनी एफर्ट्स करनी पड़ेंगी अगर आप कुछ अचीव करना चाहते हैं। अगर आपने सक्सेस को अचीव करना है, कामयाबी को अचीव करना है, तो उस कामयाबी की अपॉर्चुनिटी कॉस्ट के लिए भी आपको तैयार रहना चाहिए। ये रियलिटी है, और रियलिटी समटाइम्स बिटर होती है, डिसअपॉइंटिंग होती है, बट ये रियलिटी है। अगर आपको सीए बनना है, आपको उसकी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट पे करनी पड़ेगी। आप जब उसके लिए एफर्ट्स करेंगे तो आपको उसकी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट पे करनी पड़ेगी। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट के लिए तैयार है और एफर्ट्स के लिए तैयार है। आप एफर्ट्स करेंगे, अल्लाह ताला आपकी दुआ कबूल कर लेगा। आप लोग इसने या मेरे दोस्त हैं जो मैंने अपनी लाइफ में सबसे बड़ी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट पे की है ना, इस मुकाम तक कभी तक मैं किसी मुकाम पे पहुंचा नहीं हूँ। अभी तो मेरा खुद सफर चल रहा है। अभी तक जो मैंने सबसे बड़ी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट पे की है कुछ अचीव करने की, वो ये है कि मेरा फ्रेंड सर्कल कोई नहीं है, मेरी फैमिली लाइफ कोई नहीं है, खत्म कर दी मैंने सारा कुछ। मैं अभी भी अपने पेरेंट्स से कम मिलता हूँ। मैं रोज रात को 3 साढ़े 3 बजे घर जाता हूँ, और सुबह 8:30 के ऊपर ऑफिस होता हूँ। 8:30 से मैक्सिमम 9 बजे तक होता हूँ। एक दो दिन से थोड़ा फिर डाउन हो गया था, लेकिन लेट आ रहा था। ये रूटीन होती है। मुझे नहीं याद पड़ता कि मैं अपनी अम्मी को लास्ट टाइम शॉपिंग पे कब लेके गया था, मुझे नहीं याद पड़ता। आज से कुछ साल पहले मुझे याद पड़ता है कि मैं उनको शॉपिंग पे लेके जाता था, हर मंथ के ऊपर उनको ग्रॉसरी लेके जाता था। अब वो कहती है मैंने सामान लेना है, मैं अपने ऑफिस में बैठा हुआ ऑर्डर करता हूँ, मेरे घर के ऊपर सामान पहुंचा होता है। ये अपॉर्चुनिटी कॉस्ट मैं बे कर रहा हूँ, लेकिन ये आपको करनी पड़ेगी। अलमिया पता है क्या है, क्योंकि देखें आप भी स्टूडेंट हैं, मेरे छोटे भाई भी है, तो मैं बड़ा सिंसियर आपको बता रहा हूँ। अलमिया पता क्या है कि हम ना एफर्ट्स इतनी नहीं करते। अगर हम एफर्ट्स करते हैं तो कसम उठवा ले हम डी ट्रैक एफर्ट करते हैं। डी ट्रैक एफर्ट्स का मतलब क्या होता है कि अगर आप 1 घंटा पढ़ने बैठते हैं ना, 1 घंटा भी दिन में आप 1 घंटा नहीं पढ़ते। आप 2 3 घंटे से छोड़े, आप 1 घंटा भी नहीं पढ़ते, आप डी ट्रैक रहते हैं। आपके माइंड में मोबाइल फोन होता है, यार उसने क्या किया होगा, वहां पे क्या हो रहा होगा, मैं सोशल मीडिया पे ये देख रहा हूँ, मैं ये वाली स्नैप रिकॉर्ड कर लूँ, मैं ये कर लूँ। आप 1 घंटा भी अपने दिमाग को फोकस करके नहीं बैठते, और ये फिर आप अपने आप को धोखा दे रहे होते हैं हमेशा। और फिर हम इसी धोखे में जिंदा रहते हैं, हम 3 से 4 माह अपने वेस्ट कर देते हैं, फिर पेपर दे के आते हैं। और पेपर में भी हम जब एग्जाम में बैठे होते हैं, हमें पता होता है हमारा पेपर कैसा होता है, फिर हम अल्लाह से दुआएं मांगते हैं, पेपर पास कर दे, पेपर पास कर दे। तो एग्जाम देने के बाद अब आप अपने ये दुआएं मांग रहे होते हैं ना मौजों की, अल्लाह पेपर पास कर दे, पेपर पास कर दे। उस वक्त एक चीज सोचा करे कि अल्लाह ताला कभी किसी साथ नाइंसाफी नहीं करता। उस एग्जाम हॉल में 2 बच्चे गए होते हैं, एक आप भी गए होते हो जिसकी ये तमाम मिस मैनेज लाइफ थी, जिसने अपने खुद से मिस मैनेज की। एक मिस मैनेजमेंट होती है बाय नेचर, अल्लाह ना करे, अल्लाह ना करे कोई बीमारी हो जाती है, कुछ फैमिली में प्रॉब्लम आ जाती है, आप नहीं कर पाते। ये बाय नेचर आई है, ये अल्लाह की तरफ से आई है मिस मैनेजमेंट। एक है आपने खुद की है, मोबाइल फोन्स पे टाइम जाया किया है, दोस्तों के साथ टाइम लगाया है, टाइम वेस्ट करते रहे हो, रेगुलर नहीं हुए। आपको पता है क्लास का टाइम है, क्लास लेनी है, लेकिन आप लोग नहीं, आप सोशल मीडिया एंजॉय कर रहे हो, यूट्यूब एंजॉय कर। एक ये मिस मैनेज्ड है, ये वाला मिस मैनेज बच्चा एग्जाम हॉल से निकले, और एक बच्चा जिसने पूरी एफर्ट की है, पूरे 6 माह पढ़ा है, वो एग्जाम हॉल से निकले और दोनों दुआएं मांगे। आपके ख्याल से क्या अल्लाह ना इंसाफी करेगा कि इतनी एफर्ट्स करने वाला बच्चा भी उतने ही आराम से पास हो रहा हो, और वेलियां खाने वाला और मिस मैनेज भी
पास हो जाएगा। आपको लगता है कि अल्लाह इंसाफ नहीं करेगा, तो अल्लाह एफर्ट्स के साथ भी इंसाफ करता है, लिटरली एफर्ट्स के साथ इंसाफ करता है। सो ये मैं मजाक नहीं कर रहा, मैं बड़े दर्द से बोल रहा हूँ, आप लोगों की पेन ले रहा हूँ। पोस्ट बैच में आप लोग आए हो और अभी तक ना, एक होता है फर्स्ट इंप्रेशन इज लास्ट इंप्रेशन, आप लोगों का मतलब इस पोस्ट बैच का फर्स्ट इंप्रेशन ही मेरे पे गंदा पड़ा है। लाइक रेगुलर नहीं है, आप लोग एक्टिव नहीं हो, वो ग्रुप में मैं सवाल पूछ पूछ के थक गया, तो भाई को मसला है बता दो, हम मुझे वहां रिस्पॉन्ड नहीं करते, मैं यहाँ पे सवाल पूछ पूछ के थक गया तो मुझे आप यहाँ पर रिस्पॉन्ड नहीं करते। आप लोगों का अंदर का ना स्टूडेंट कहीं घूम गया है, वो तारे जमीन पर कहाँ चले गए हैं आपके, बताएं जरा। कोई माइंड तो नहीं कर रहा मेरी बात का? आई एम जस्ट ट्राइंग टू मोटिवेट यू, आई एम जस्ट ट्राइंग टू शो द रियलिटी के भाई रियलिटी, देयर इज समथिंग रियल इन लाइफ। इवन मैंने 5 पेपर पकड़ के 4 पेपर दिए थे ना, वो तो मेरी एफर्ट समझ आती है मुझे, मैंने की थी। मैंने ऑडिट का पेपर मेरा रह गया था और वो 48 पे रुका था, अगर वो भी होता तो मेरे 5 पेपर पास थे। अगली बार सिर्फ पेपर मेरा ऑडिट का था और मेरे पास 6 महीने थे, और स्टिल मैंने आखिरी महीने में ऑडिट एक पेपर के लिए भी मैं सुबह लाइब्रेरी पहुंचता था, हाँ तब गर्मियां थी तो मैं कुछ 6 बजे पहुंचता था, और रात को मैं 11-12 बजे जाता था, और सिर्फ मेरा एक पेपर था, सिर्फ मेरा एक पेपर था, वो एक पेपर के लिए इतना टाइम लगाया था, और मेरे साथ। और आप कहो ना कि सर आपके पास ये हो, मैं आपको रियलिटी बताता हूँ, मैं सोने का चम्मच लेके पैदा नहीं हुआ, मैं यहाँ तक जितना पहुंचा अपने हार्डवर्क से पहुंचा, लिटरली अपने हार्डवर्क से, अपने पेरेंट्स की प्रेयर से, और अल्लाह पे बिलीव था मेरा। आज से कुछ साल पहले जब मैंने पहली इनकम अर्न की थी ना, वो 250 रुपीज थी, तो वो 250 के लेवल से एक लेवल पे उठना था ना, वो मुझे पता था। बड़ाई नहीं कर रहा, सिर्फ मैं आप लोगों के अंदर एक चीज लाने की कोशिश कर रहा हूँ, आप लोगों के पास टाइम है, यकीन माने अगर आप ये चीज अचीव कर गए ना, जिसके लिए आप अभी एफर्ट्स कर रहे हैं, जिसके आपके ड्रीम्स हैं, ये करना एक ड्रीम है, इसके लिए एफर्ट्स कर रहे हो, ये एक ड्रीम है आप लोगों के लिए, जिस दिन आप ये अचीव कर जाओगे ना, सेटिस्फेक्शन बहुत मिलेगी, इतनी सेटिस्फेक्शन मिलेगी कि सुकून की नींद आ जाएगी। मैं 3 घंटे सोता हूँ या मैक्सिमम में 2.5 घंटे, 2.5-3 घंटे सोता हूँ, मैं सोता सुकून के साथ, और वो सुकून अक्सर मैं देखता हूँ 10-10 घंटे वालों को नहीं मिल रहा होता। और वो सुकून मुझे कैसे मिलता है कि मैं एक एफर्ट्स करके सोता हूँ, हमेशा एक चीज अचीव करने में डेली करके सोता होता हूँ। तो ये चीज अपने अंदर लेके आए, अपने आप को पुश करें, अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलना शुरू करें। अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलेंगे आप हर चीज अचीव करेंगे, और अल्लाह ताला अपने खजाने आपके ऊपर खोल देगा, लिटरली खोल देगा। आप कंफर्ट जोन से बाहर निकले, अल्लाह पर यकीन रखते हुए आपकी हर एक चीज सीधी होना शुरू हो जाएगी, हर एक चीज सीधी होना शुरू हो जाएगी। गॉट इट? तो उम्मीद करता हूं कि आप लोग इसको वाकई मोटिवेट होंगे। किसी को बात बुरी लगी हो तो भाई माजरत, सीधी बातें कर देता हूँ, करता भी दिल से और मारता भी मुंह पे हूं मैं, तो बी रेडी फॉर दैट वन। आप हर, और मैं एक और चीज पे बिलीव करता हूँ कि हर बंदा हर चीज अचीव कर सकता है। अक्सर मैंने देखा होगा कि सोशल मीडिया पे वो जो है ना, एक वो चांद तारों वाला ग्रुप है सोशल मीडिया के ऊपर, फेसबुक के ऊपर, चांद तारों वाला, मैं नाम नहीं ले सकता ना, आपको पता है वो मेरे दोस्तों का ग्रुप है, मैं उनको जानता हूँ बड़े, उनके ऊपर भी लगा होता है यार हर बच्चा सीए के लिए नहीं होता, ये नहीं कर सकते, वो नहीं कर सकते। मैं इस चीज से डिसएग्री करता हूँ। अल्लाह ताला ने हर एक को पैदा किया है, हर एक के लिए अल्लाह ताला बैठा हुआ है, और हर बंदा हर चीज अचीव कर सकता है। प्रॉब्लम ये है कि पाथ चेंज होता है, रास्ते चेंज होते हैं, एफर्ट्स कम ज्यादा रिक्वायर्ड होती हैं, थोड़ा टाइम लगता है, लेकिन हर बंदा हर चीज अचीव कर सकता है, मेरा इस पेपर यकीन है, मेरा इस पे ईमान है। अगर आप में से कोई समझ रहा है कि यार मैं नहीं कर पा रहा, मैं नहीं कर पा रहा, तो
ये आप सारे कर सकते हो। पहली चीज जो है ना अपने अंदर, लाइक अभी आप में से काफी बच्चे फेल होके आते आए हैं, और अनफॉर्चुनेटली हमारी अभी तक कोई ऐसी मुलाकात में बात हुई नहीं जिसमें मैं वो आपका फेलियर का जो फियर था उसको निकाल सकता। सबसे पहले ना अपनी लाइफ में से अपना फेलियर का फियर निकाल दें, आप लोग डर निकाल दें जिंदगी में से। अगर आपको हारने का, फेल होने का डर निकल जाएगा ना, आप वहां पे गेम जीतना शुरू कर देंगे। अब मेजोरिटी होता क्या है, ये रियलिटी है, आपका एक पेपर की अटेम्प्ट लगती है, आप उसमें फेल होते हैं, आप जब दोबारा पढ़ने बैठते हैं तो आप 50-60% उसी फेलियर के बारे में ही सोचते रहते हैं, और आप उस फेलियर में रहते रहते तैयारी करते हैं, आप खुल ही नहीं पाते, आप निकल ही नहीं पाते, जिसकी वजह से आप अपनी मिस्टेक्स को, अपनी प्रॉब्लम्स को आइडेंटिफाई नहीं करना पाते। अपने अंदर से ना ये इस फेलियर का डर निकाल दें, नंबर वन। नंबर टू, अपने आप को अंडर वैल्यू करना सोच दें, अंडर वैल्यू करना खत्म कर दें। अपने माइंड में से ना एक चीज निकाल दें कि ये हम नहीं कर सकते, या मैं नहीं कर सकता, या मैं इस काबिल नहीं हूं, ये चीज अपने माइंड से निकाल दें। आप अपने आप पे यकीन रखें, मैं नहीं कर सकता, क्यों, मैं कर सकता हूं। अगर आपको लग रहा है कि एक बच्चा आपका क्लास फेलो है, आपका दोस्त है, वो एक सब्जेक्ट, एक टॉपिक 1 घंटे में तैयार कर रहा है, और उस 1 घंटे में आपसे एक पेज नहीं हो पा रहा, तो हुआ क्या मसला? ठीक है, आपकी पेस स्लो है, बट आप करो, एफर्ट करो, आप 3 घंटे में कर लो, लेकिन कभी अपने माइंड में ये चीज ना लेके आइएगा कि मैं नहीं कर सकता या मुझसे नहीं होगा। ये अपने लाइफ पे ना दो चीजें एलिमिनेट कर दे, डर और मुझसे ना होने वाला एलिमेंट। आप आईकैप में फेल नहीं हो सकते, आप लाइफ के किसी जगह पे फेल नहीं हो सकते, लिखवा लो। कोई मुझे ऐसा बंदा मिल जाए जिसकी लाइफ में ये दो डर हो ना हो और वो फेलियर देख रहा हो, नहीं होता फेल। तो ये चीजें ना अपने अंदर डेवलप करें, आप कर सकते हैं। मेरे छोटे बहन भाई हैं, ऑल्दो मैं कौन सा इतना बुजुर्ग हूँ, 25 साल सारी उम्र अभी, यार छोटे बहन भाई हैं मेरे, तो मैं आपको बड़ा पेन से कह रहा हूँ, मोटिवेट कर रहा हूँ यार, ये करें। अभी आप शुरू हुए हैं, हमारा 3rd डे है, और मैं जो कंसिस्टेंसी देख के हैरान और परेशान रह गया हूँ यार, इतने इनकंसिस्टेंट से लोग हैं, इनको टेंशन ही कोई चीज नहीं। तो कुछ समझ तो नहीं आई आज, सारी स्पीच मोटिवेशन भी मैंने दे दी है, करना चैप्टर स्टार्ट था मैंने दूसरा। चले, कभी कभी ऐसी चीजें होनी भी चाहिए ताकि आपके अंदर एक स्पार्क होना चाहिए। एक और चीज से मैं आपको मोटिवेट करता हूँ। अक्सर ना एक मुझे परसों का सवाल आया हुआ था एक स्टूडेंट का, कि सर, उसको सीफैट का स्टूडेंट है, उसकी ये दिसंबर में पेपर है, कि यार स्टूडेंट जो दोस्त ही है मेरा वैसे, कि यार डीमोटिवेट हो जाता हूँ, फॉर्म में काम करके आता हूँ, पूरा दिन लगड़ा लगाता हूँ, फॉर्म वाले छुट्टी नहीं दे रहे, पढ़ा भी नहीं जाता, डीमोटिवेशन बड़ी मिलती है। मैं कहता नमाज पढ़ लो, कहता यार नमाज पढ़ता हूँ, तो यार लेकिन नहीं, वो एक सेटिस्फेक्शन अंदर से ना सुकून वाली फील नहीं आ रही। होता आपके साथ ऐसा, क्या आप में से होता है किसी के साथ ऐसा? आप लोग एफर्ट्स भी कर रहे हैं, आप लोग ट्राई भी कर रहे होते हैं, बट एक सुकून नहीं मिल रहा होता। या आप जैसे ऐसा हुआ कभी कि फुल एफर्ट्स करके पेपर दिया है, पेपर पास नहीं हुआ, वाकई जान मारा था, पेपर पास नहीं हुआ, या आप नमाज भी पढ़ रहे हैं, आप दुआ भी पढ़ रहे हैं, लेकिन समझ नहीं आ रही, चीजें मिसमैनेज तर होना शुरू हो गई है, कुछ नहीं पढ़ ले पढ़ रहा, और आप डिप्रेस होना शुरू हो गए, कभी ऐसा हो गया लोगों के साथ? इसका आपको एक सोल्यूशन दूं, पर्सनल सोल्यूशन जो मैंने फील किया हुआ है। कभी भी ना, कभी भी जब ऐसी आप पे सिचुएशन आए ना, रात का जो होता है ना आखिरी पहर, मतलब तहज्जुद के टाइम, अगर आप पढ़ते हैं तो बहुत बेहतर है, अगर नहीं भी इस टाइम बैठे और बिल्कुल तन्हाई में ना, सॉलिट्यूड में बैठ के, जहां पे अंधेरा भी हो, अंधेरा लाजमी है, अंधेरा सॉलिट्यूड में बैठ कर अल्लाह से बात करके देखें, लिटरली आई स्वेर आपकी तमाम परेशानी ऐसे खत्म होगी आपको अंदाजा नहीं है। अल्लाह से इस तरह बात करके देखें कि अल्लाह आपका दोस्त है, और ये आपकी ईमान की हद तक यकीन होना चाहिए कि वो अल्लाह आपकी शाहरग से ज्यादा करीब है। अगर इस बिलीव के साथ आप बैठे, आप अल्लाह से बात करके देखें,
बोलना शुरू करें, अकेले बैठे ना बोलना शुरू करें, तमाम परेशानी बोल दे। लिटरली फील होता है कि कोई बंदा आपके साथ बैठा होगा, मतलब कोई चीज है, और वो एक वो ये वाली जो बात है ना, चाहे आप 10 मिनट करके देखें, आपकी लाइफ में एक ऐसा चेंज फील होगा, आपकी तमाम परेशानियां दूर हो जाएगी। और अल्लाह सुनता है, हम कहते हैं अल्लाह नहीं सुनता, अल्लाह वाकई ही सुनता है। ईमान होना चाहिए, क्योंकि वो आपकी शहरत से ज्यादा करीब है। अल्लाह ताला ने खुद कहा है कि मैं आपकी शहरत से ज्यादा करीब हूँ, जगदर वेन हमारी, मतलब इससे करीब क्या होना चाहिए। और आप अल्लाह से बात तो करके देखें, वाकई सुनता जाएगा। और ये भी आपका यकीन होना चाहिए कि जो अल्लाह ताला है ना, अल्लाह ताला वो आपका रब है, हमारा रब है। लाइक इस लाइन को फील करना चाहिए कि मैं अल्लाह से बात करूंगा और वो मेरी बात सुनेगा। क्यों? बिकॉज ही इज माई रब, वो मेरा अल्लाह है। तो अगर आप इस चीज की एक पोजेशन फील कर रहे हैं कि वो मेरा अल्लाह है, वो मेरी बात सुनेगा, मेरा रब है, तो जिंदगी में कभी करके देखिएगा, बताइएगा, कभी जिंदगी में अपना बाद में एक्सपीरियंस शेयर कीजिएगा कि आपको सुकून मिला कि नहीं मिला, परेशानी हल हुई या नहीं हुई। नमाज, नो डाउट नमाज जो है परेशानी हल करती है, नमाज अल्लाह के करीब लेके आती है, लेकिन नमाज के साथ साथ अपना जिंदगी में कभी ये एक बारी करके देखिएगा। जब आप फुल परेशान हो ना, कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा, कुछ भी समझ नहीं आ रहा कि अगले मिनट क्या होगा, क्या होगा या क्या नहीं होगा, समझ कुछ नहीं आ रहा, ये करके देखिएगा, तब मुझे आप याद करेंगे कि यार हाँ, एक बंदा आया था, बंदा तो ग्रेट था नहीं, हाँ लेकिन बातें अच्छी कर गया था। ठीक है, तो सिर्फ आप लोगों को आज मैंने मोटिवेट ही कर दिया, हालांकि चैप्टर स्टार्ट करना था, अगर किसी का टाइम वेस्ट हुआ तो भाई बड़ी माजरत यार। ऑल्दो कि मुझे पता था कि टाइम बड़ा कीमती है और हमारा पोस्ट बैच है, हमारे पास टाइम कम है, बट मुझे आज फील हुआ कि इस बैच में स्पार्क नहीं आ रहा, पता नहीं क्यों। टेस्ट शेड्यूल आप लोगों के साथ शेयर है, तो स्पार्क नहीं मुझे फील हो रहा था, सो डैट्स व्हाई आज मैंने बड़ी इररिलेवेंट सी बातें कर दी हैं, टाइम आपका वेस्ट कर दिया, तो इस टाइम वेस्ट करने के लिए ना बड़ी ज्यादा माजरत आप लोगों से। ठीक है, किसी कोई बात बुरी लगी हो उसके लिए भी माजरत। आई थिंक 5:30 हो गए हैं, तो फिर हम तो अब कंटिन्यू नहीं कर सकते ना आगे, इसको हम कल शुरू करें चैप्टर को, चैप्टर नंबर 4 को। एक दिन मैंने आपका वेस्ट कर दिया, ओहो चले हम फिर इस चैप्टर को कल शुरू कर देते हैं, कल मैं रेलिवेंट कोई बात नहीं करूंगा, पक्के वाला वादा। सर बिस्मिल्लाह कर लें थोड़ा सा ओवरव्यू यार, इंट्रोडक्शन वगैरह। 5:30 है, आगे 6 बजे F1 की क्लास है, मुझे थोड़ा सा ना टाइम चाहिए। आज हम 5:30 पे इसको वाइंड अप कर लेते हैं, थोड़ा सा ना चाहिए टाइम मुझे, आधा घंटे का भी, क्योंकि मेरी मुझे सिर्फ ये आधे घंटे की ब्रेक मिलेगी, उसके बाद 6 से ऑनवर्ड ना रात 10 तक मेरी क्लासेस है, तो ये मेरे पास आधा घंटा ही आ रहा है मुझे काम करना है छोटा सा। तो एक मेरे कहने पे ये 15 मिनट कुर्बान कर दें, क्या होता है यार, कभी तो मेरी बात मान लिया करो। व्हाई नॉट सर, कल हम मुलाकात करते हैं, कल चैप्टर हम जितना हो सका पॉसिबल डिस्कस कर लेंगे, और कल मैं आपका पक्के वाला वादा टाइम वेस्ट नहीं करूंगा, कल कोई मोटिवेशनल या डीमोटिवेशनल स्पीच नहीं दूंगा, वो मैं एक बार ही देता होता हूँ, कल मैं कोई रेलिवेंट बात भी नहीं करूंगा, और आपका टाइम वेस्ट हुआ आज तो उसके लिए बड़ी माजरत। तो कल मिलते हैं। नहीं नहीं सर, दुआ में याद नहीं हुआ सर। जी जी सर, दुआ में याद रखिएगा, कल मिलते हैं इंशाल्लाह। ओके जी, अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज सर। परंतु